Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. But friends, आज के एपिसोड में मैं आपको दो फिल्मों के कलेक्शंस बताऊंगा एक साथ. Unfortunately, सुबह एपिसोड्स नहीं बना पाए. तो चलिए गाइज, आज शुरू करते हैं. पहली फिल्म जिसका कलेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है गली बॉय. यस मेरा भाई, गली बॉय. जहां पर उसके 9वें दिन पे अभी आप शॉक हो जाओगे कि 9वां दिन कैसा हुआ. वेल फ्रेंड्स, गली बॉय का जो पहला वीक था वो 8 दिनों का था, यानी कि वो फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी, इसलिए उसका पहला फ्राइडे उसका 8वां नहीं बल्कि 9वां दिन हो जाता है. और उसका जो दूसरा सैटरडे है वो उसका 10वां दिन हो जाता है. सो गाइस, मैं आज आपको गली बॉय के डे 10 के कलेक्शंस बताऊंगा एंड टोटल धमाल के डे 2 के कलेक्शंस बताऊंगा. सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं. गली बॉय अपने डे 9 पर कमाती है 3.90 करोड़, यानी कि 3.90 करोड़. मुझे लगा अब ये फिल्म खत्म हो गई. टोटल धमाल का क्रेज इतना खतरनाक चल रहा है कि अब इस फिल्म को ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं मिलेगी डिस्पाइट हैविंग स्क्रीन्स. यस मेरा भाई, स्क्रीन्स अच्छे खासे सुन के पास ये फिल्म अब आस्ते आस्ते सैटरडे को निकलना शुरू हो जाएगी. लेकिन मेरा भाई, वो कहते हैं ना, बहुत हार्ड मचा रही है फिल्म स्पेशली मुंबई के सेंटर में. और इसी के साथ गाइस, सैटरडे फिगर, द डे 10 फिगर ऑफ गली बॉय इज एन अस्टाउंडिंग 7.05 करोड़ रुपीज. कैन यू बिलीव इट, इतना बड़ा ग्रोथ. और जब सैटरडे 7 करोड़ है तो भाई संडे आराम से 8.5 और 9 करोड़ होगा. और ये अपने 11 दिनों में आराम से भाई लोग 120 करोड़ मार के निकल जाएगी, इतना गारंटी देता हूं. सो गाइस, चलिए बात करते हैं 10 दिनों में गली बॉय ने कमाए हैं 111.25 करोड़. एक फिल्म जब इसका ट्रेलर आया था लोगों ने कहा था 60-70 करोड़ भी नहीं कमाएगी, यहां पर इस फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 दिनों में 111.25 करोड़ कमाए हैं. इसका कंटेंट अच्छा है मेरा भाई, फिल्म का क्वालिटी जबरदस्त है, फिल्म लोगों के दिलों में बस गई. और इसी के साथ मुंबई सेक्टर जो है, मुंबई की जो टेरिटरी है वो कितनी मजबूत है नेशन वाइड फिगर्स को पोस्ट करने के लिए, आज ये भी साबित हो गया. सो गाइस, गली बॉय डे 10 10 दिनों तक 111.25 करोड़ रुपए. अब बात करते हैं, चल टोटल करे धमाल, स्पीकर फट जाए. टोटल धमाल इज बिकम द मोस्ट फेवरेट फिल्म अमंग यंगस्टर्स. अजय देवगन फैन क्लब में तो यहां तक लोगों ने बोल दिया है कि यह फिल्म हेरा फेरी से अच्छी है, फिर हेरा फेरी से भी अच्छी है. अजय देवगन फैन क्लब्स हैव मेल्ड मी लाइक के सर, हम लोग पागल हो चुके हैं पिक्चर पे. उनके जो फैंस है उनमें एक नया जोश आ गया है. कोई थिएटर मैंने देखा, यू नो, अजय देवगन के मूर्ति पे हार लगाया जा रहा है, उनका दूध अभिषेक हो रहा है, थिएटर में फटाके फोड़े जा रहे हैं. अजय देवगन फैन क्लब इज सुपर डुपर हैप्पी, और होना भी चाहिए क्योंकि अजय देवगन वॉज अ मास स्टार, बहुत मासी स्टार थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल सिर्फ एक ही फिल्म है रेड आई थी उनकी, गोलमाल में भी यू नो इस तरह से यू नो फ्रेंचाइजी रोल के हाईलाइट हो गया था. अजय देवगन वॉज नॉट देयर द हाईलाइट फिगर, लेकिन यहां पर अजय देवगन का ब्रांड काम आया है. और इसने धमाल सीरीज था जो कि ऑब्वियसली पॉपुलर था, द ब्रांड अजय देवगन हैज टेकन इट एल्सवेयर. एंड इसी के वजह से गाइस, फैमिलीज एंड जो बच्चे हैं उनके वजह से टोटल धमाल का डे 2, यस मेरा भाई, 20.40 करोड़ रुपीज. इस फिल्म ने क्रिटिक्स की कह के ले ली है, और यही दर्शाता है कि आज के जमाने में क्रिटिक्स की कोई वैल्यूज नहीं रही है मेरा भाई. कितना इस फिल्म की वाट लगाई क्रिटिक्स लोग ने, लेकिन वो कहते हैं ना, अब टोटल करे धमाल, स्पीकर फट जाए. अजय देवगन अलोंग विद सम स्प्लेंडेड परफॉर्मेंसेस बाय जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, अनिल कपूर, जॉनी लीवर, पितो बाश, अरशद वारसी, फैंटास्टिक. और गाइस, अपने दूसरे दिन में 20.40 करोड़ कमा के टोटल धमाल इज एट 36.90 करोड़, 36.90 करोड़. रात को एक और एपिसोड बनाऊंगा डे 3 की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, इसकी एडवांस बुकिंग और मंडे से क्या होगा उसके बारे में, तो इंतजार कीजिएगा. सो गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो. माफी चाहता हूँ सुबह एपिसोड नहीं बनाने के लिए. तो गाइस, गली बॉय का डे 10 फिगर एंड टोटल धमाल का डे 2 फिगर. मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन.